saint, ascetic. हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का व्लॉग होने वाला है कुछ स्पेशल, क्योंकि हम जा रहे हैं ऑफ रोडिंग करने, स्नो राइड कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इक्विपमेंट हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4x4 गाड़ी है। तो देखते हैं हमारा दिन कैसा रहता है। लेकिन जाने से पहले थोड़े से नज़ारे अपने गांव से आपको दिखा देता हूँ। क्या वैली है, क्या सुंदरता दिखाई देती है। ये है तूना टॉप, काफ़ी हाइट पर ये है, जय माँ तूना काली। ये सामने वाली पहाड़ियाँ दिखाई देती है जुब्बल साइड की, ये है कुप्पड़ वैली जहाँ से गिरी नदी निकलती है, बहुत हाइट पर ये है। राइड पर जाने से पहले आशीर्वाद लेंगे, जय भैरव वीर। हमारे गांव से दिखाई देती है चोटियाँ फागु शिमला की, फागु कुफरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बहुत ज़्यादा फेमस। खाखाई शिमला। हमारे गांव से दिखाई देता है कोटखाई बाजार, बहुत ज़्यादा सुंदर। Amazing place, Raj Darbar. ये है राज दरबार कोटखाई में। Village of Arun Jasta. ये है फेमस सिंगर अरुण जस्टा जी का गांव। Later in this video. लो भाई, बिल्कुल सेट है काम। ये है एंजॉय स्नो राइड का, फोर व्हील ड्राइव है। भाई उस टाइम पर पूछ लिया तो जेसी भी क्लियर किया, हमने खुद किया, क्लियर किया था उस टाइम उस दिन। तो परसों भी तो गिरी भाई, देखो ना कितनी ठंड हो गई है कमरे में आपकी, बट ये खराब होता सब सुबह के लिए ना, जम जाएगा पूरा, अभी जम जाएगा ये, थोड़ी देर में जम जाएगा। देखो चलो जमटा, वाह वाह यार, ये बर्फ नहीं निकल रही ले ले भाई यार। देखो हम आए हैं बर्फबारी का मजा लेने। ये है गाइस, ये देख लो बड़ेओं घाट, बड़ेओं घाट में, और इतना डेंस फॉरेस्ट है ये भाई, बहुत ही ज्यादा धूप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगी है। ये देख लो भाई, बर्फ की अगर बात करूँ ना, 1.5 फीट बर्फ है यहाँ पर। ये हम हैं रेव घाटी से थोड़े से आगे, हमने जाना है उमरारवाड़। तो हम थोड़ा थोड़ा अभी ट्राई करेंगे, और 4x4 है ये टी, यहाँ पर थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ रही है, अभी देखते हैं क्या होता है भाई। यहाँ से भाई मोशन बना के आ रहे हैं, देख लो भाई फिर से। अब वाह 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 वाह, गाइज हमारी तरह और भी लोग, काफी लोग आए थे बर्फबारी का मजा लेने।
तो हमारे को गाड़ियाँ रास्ते में मिली और ये अब हमारे को थोड़ी सी साइड दे रहे हैं क्योंकि हमने आगे को जाना है और ये लोग आ रहे हैं वापस अपनी इक्विपमेंट बिल्चा जैसे आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ ये साथ लेकर आए हैं गाड़ी फंस गई है भाई चले गए वापस। ये और यहाँ पर गाड़ियाँ है ये भी अपना काम कर रहे हैं। इसी बीच में और मुकुल थोड़ा सा इंजॉय यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि अभी थर्ड अटेम्प्ट और हम करेंगे एक बार और ट्राई करेंगे आगे जाने के लिए देखते हैं वो सक्सेसफुल होता है या नहीं। इसी बीच थोड़ा सा इंजॉय हम करेंगे आप भी बर्फबारी का मज़ा उठाए स्नोफॉल का मज़ा उठाए और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए ज़रूर काम करें तभी हमारे को इस तरह इंजॉय करने का मौका मिल सकता है गाइस। से एक बार हट जा ध्रुव एक बार फिर से भाई गाड़ी निकालने के ट्राई में मोशन तोड़ दिया है यहीं पर चढ़ गई एंजॉय फाइनली जो है हमारी गाड़ी यहां से ऊपर चढ़ गई है अब जाएंगे हम उमरा रवाड़ में जाना है हमें। देख लो भाई कहां कहां से गाड़ी चढ़ी है यटी तो गाइस ये है रेव घाटी से हम 1 किलोमीटर आगे है यहां का व्यू अभी हमने जाना है और आगे यहाँ से अब चले हम वापस। ये देख लो भाई बर्फ ही बर्फ उमरा रवाड़ के 1 किलोमीटर पीछे तक हम आए थे आज बर्फ का मजा लेने बस ऐसे ही। ये देख लो भाई बिल्कुल सेट है काम ये है एंजॉय स्नो राइड का 4-व्हील ड्राइव है सनसेट भी यहाँ से होगा यहाँ पे। ये देख लो भाई बिल्कुल भाई साफ कर रहा है मुकुल भाई क्या हो गया कितनी फीट बर्फ है ये है भाई 2 फीट 2 फीट बर्फ में हम आए और गाड़ी भाई दमदार जानदार अरे अभी निकाली है ये निकाली है बर्फ भाई नहीं तो इतनी थी है सट। ये देख लो मेरे पैर कहाँ तक जा रहे हैं लो जी विशु भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बर्फ है कितनी बर्फ है भाई इतनी बर्फ रहने दे खड़ी रहने दे कौन आ रहा है इस टाइम पर कोई 1 फीट बर्फ है हैप्पी स्नोफॉल गाइस हैप्पी स्नोफॉल भाई। ये देख लो भाई ध्रुव कहाँ जा रहे हो बस यहीं तक आए थे स्नो राइड क्या सर आज का दिन बहुत बढ़िया भाई बहुत मजा कुछ और तो नहीं कहना चाहूंगा बस अब वापसी गाड़ी आपने मोड़ दी है उमरा रवाड़ के 1 किलोमीटर पीछे तक हम आ गए थे भाई है। शेयर सब्सक्राइब